दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि धातु का छल्ला पहनने से बहुत से लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं धातु का कोई भी छल्ला आपको सूट नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी राशि अलग होती है और राशि के हिसाब से ही धातु का छल्ला पहनने से सही फल आपको मिल सकता है। ध्यान रहे कि अपनी राशि अनुसार ही धातु का छल्ला धारण करने से आपको शुभ लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो कई बार विपरीत फल भी मिलने की आशंका रहती है। तो चलिए जानते हैं राशि अनुसार कौन से धातु का छल्ला चमका सकती है आपकी किस्मत। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जान लें कि जो लोग मेष राशि के हैं, उन्हें तांबे का छल्ला बाएं हाथ की अनामिका उंगली में रविवार दोपहर को धारण कर लेना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और शीघ्र क्रोध आने की समस्या कम हो जाएगी। वृष राशि। इस राशि के लोगों के लिए उत्तम होगा कि वह चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शुक्रवार के दिन ही धारण करें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन उत्तम होगा और साथ ही धन संबंधी समस्याओं से भी आपको काफी राहत मिलेगी। मिथुन राशि। वहीं मन की दुविधाओं से निकलने के लिए और करियर में तेजी से उन्नति करने के लिए इस राशि के लोगों को कांसे का छल्ला दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए और वह भी बुधवार की शाम को। बता दें कि इस राशि के लोगों को सोने का छल्ला धारण करने से बचना चाहिए। कर्क राशि। इस खास राशि वाले लोगों को अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में सोमवार की रात चांदी का छल्ला धारण अवश्य करना चाहिए। जान लें कि इसे पहनने से आपका मन नियंत्रित होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा और साथ ही रिश्तों की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। ध्यान रखें कि आपको गलती से भी लोहे का छल्ला नहीं धारण करना है। सिंह राशि। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सोने का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रविवार दोपहर को धारण कर लें। बता दें कि इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा, हड्डियों की समस्याओं से निजात मिलेगा व साथ ही जीवन में संघर्ष थोड़ा कम हो जाएगा। कन्या राशि। वहीं कन्या राशि वाले लोगों को चांदी और सोना बराबर मात्रा में मिलाकर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में बुधवार शाम को धारण करना चाहिए। बता दें कि इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और बार बार आने वाली नौकरी की समस्याओं से भी आप बचेंगे। यही नहीं, आप थोड़ा सा जिम्मेदार भी बनेंगे। तुला राशि। तुला राशि के लोगों को चांदी का एक छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली या अंगूठे में और वह भी शुक्रवार के शाम को जरूर से धारण करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका नाम और यश बढ़ेगा व साथ ही धन के खर्चे भी नियंत्रित होंगे और वैवाहिक जीवन सुखद होगा। इस राशि के लोगों को स्वर्ण धारण करने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि। बात अगर वृश्चिक राशि की करें तो एक तांबे का छल्ला बाएं हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को और एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोमवार को धारण करना चाहिए, ताकि इससे आप पारिवारिक जीवन और करियर में तालमेल बैठा पाए व साथ ही संतान उत्पत्ति की समस्या से निजात भी पाए। धनुराशि। वहीं इस राशि के लोगों को स्वर्ण या पीतल का एक छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में बृहस्पतिवार को प्रातः काल धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका स्वभाव बेहतर होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और साथ ही पाचन तंत्र की समस्याओं से निजात भी मिलेगी। जहां तक हो सके खुद को चांदी धारण करने से बचाएं। मकर राशि। मकर राशि के लोग अगर खूब सारा धन कमाने की चाह रखते हैं व साथ ही अपने रुखे स्वभाव को भी ठीक करना चाहते हैं तो उन्हें स्टील या जस्ते का एक छल्ला शनिवार की शाम को अपने बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी नई नई योजनाएं जो बना तो करती थी लेकिन कभी सफल नहीं हो पाती थी वह भी पूरी होना शुरू हो जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखें कि मकर राशि वाले लोगों को स्वर्ण धारण करने से खुद को बचाना चाहिए। कुंभ राशि। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन सत्य यही है कि इस राशि के लोगों के लिए मन और भावनाओं का उतार चढ़ाव और आलस्य ही सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है और इसी कारण आप चीजों को बीच में छोड़ भी देते हैं। जान लें कि आपको लोहे का एक छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार को शाम को धारण कर लेना चाहिए व साथ ही तांबा धारण करने से परहेज करें। अंतिम राशि है मीन राशि। इस खास राशि के लोगों को एक पीतल या सोने का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों ही उत्तम हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों राशि अनुसार जाने कौन से धातु का छल्ला चमका सकती है आपकी किस्मत।